आखिर क्यों बंद हुई महाकाल में मुर्दे की राख से भस्म आरती? क्यों नहीं जाती महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी बारात? आखिर क्यों कोई भी राजा या शासक महाकाल मंदिर में रात नहीं रुक सकता? और आखिर कैसे हुई महाकाल मंदिर की स्थापना, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कालों के काल महाकाल की, यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही साथ ये महादेव का सबसे प्रसिद्ध और सबसे मुख्य ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में महाकाल मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया गया है। भगवान शिव को समर्पित ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित है। इस मंदिर का कई पुराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी लोग महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे तो उज्जैन शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई पौराणिक मंदिर मौजूद हैं, जैसे कि हर सिद्धि मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, काल भैरव मंदिर। उज्जैन के बारे में एक बात कही जाती है, ये शहर तीर्थों का तीर्थ है। यहाँ का हर एक कंकड़ शंकर है। उज्जैन में भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ दर्शन का अवसर आपको इस मंदिर को छोड़कर संसार के किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं महाकाल मंदिर का रहस्य। महाकाल मंदिर का पहला रहस्य ये है कि महाकाल मंदिर की बहुत प्रसिद्ध आरती, इसे भस्म आरती कहा जाता है, जो कि पौराणिक काल में मुर्दे की चिता की राख से की जाती थी, पर आज के समय में भस्म आरती पेड़ की छाल और गाय के गोबर के कंडे की राख से की जाती है। भस्म आरती मुर्दे की राख से बंद होने के पीछे एक लोक कथा है। एक समय उज्जैन में कोई भी चिता नहीं जलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही बेटे को मारकर उसकी चिता से बाबा महाकाल की भस्म आरती की थी, जिससे प्रसन्न होकर महाकाल ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, आज से मेरी भस्म आरती पेड़ की छाल और गाय के गोबर से की जाएगी। महाकाल मंदिर का दूसरा रहस्य ये है कि महाकाल मंदिर के सामने कोई भी बारात नहीं जाती। इस बात पर लोगों का मानना है कि महाकाल के सामने कोई भी घोड़े पर बैठकर नहीं निकल सकता, और जिसने भी ऐसा किया है उसे भारी नुकसान हुआ है। महाकाल मंदिर का तीसरा रहस्य ये है कि पवित्र सावन के महीना, जिसे भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है, सावन के महीने में बाबा महाकाल को रात्रि में उनके अति प्रिय बेल पत्रों से ढक दिया जाता है। उसके बाद किसी भी सदस्य को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से लगाया गया है। सावन महीने की एक रात्रि में एक अदृश्य शक्ति काल की आरती उतारते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे किसी मंदिर की सदस्य ने ऑनलाइन लीक कर दिया। ये फोटो लीक होते से ही बहुत ज्यादा वायरल हुआ। जब मंदिर प्रशासन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। पर बहुत सारे साधु और पंडितों का मानना है, भगवान शिव मनुष्य ही नहीं, भूत प्रेत और देवी देवता के भी आराध्य हैं। इन सब में से कोई एक शक्ति इस फोटो में कैद हो गई है। महाकाल मंदिर का चौथा रहस्य यह है कि कैसे हुई महाकाल मंदिर की स्थापना। वैसे तो वैज्ञानिक तौर पर कोई भी यह नहीं पता लगा पाया है कि महाकाल मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, पर शिव पुराण में महाकाल मंदिर की स्थापना की कथा मिलती है, जिस कथा के अनुसार अवंतिका नगरी, जिसे आज के समय में हम उज्जैन कहते हैं, वहाँ पर एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करके भगवान शिव की पूजा किया करता था। उस ब्राह्मण के चार बेटे थे। एक दिन अवंतिका नगरी पर दूषण नाम के राक्षस ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। उस राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त था। उस राक्षस और उसकी सेना ने अवंतिका नगरी के साधु और ब्राह्मणों को मारना चालू कर दिया, और वो थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण के चार बेटों के पास पहुंच गए। वो ब्राह्मण के चार बेटे अपनी जान पे आता देख भगवान शिव की स्तुति करने लगे, और उसी समय उस जगह पर एक गड्ढा बन गया, और उस गड्ढे में भयंकर रूपधारी भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने दूषण नाम के राक्षस और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। उसके बाद उस ब्राह्मण के चार बेटों ने भगवान शिव को उसी रूप में वहां पर विराजमान होने को कहा। इस पर खुश होकर भगवान शिव वहां पर लिंग रूप में विराजमान हो गए, और उसी लिंग को आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाकाल मंदिर का पांचवा रहस्य। जैसा कि आप सभी ने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना ही होगा, ये पुराने काल में उज्जैन के एकमात्र राजा थे। इनके शासन के बाद आज के समय में यहाँ पर कोई भी राजा या शासक
या कोई भी बड़ी पोस्ट का इंसान यहाँ पर रात नहीं रुक सकता, क्योंकि इसकी वजह यह मानी जाती है कि केवल उज्जैन के एकमात्र राजा हैं और वो है बाबा महाकाल। मध्य प्रदेश के दो मुख्यमंत्री उमा भारती और बाबूलाल गौर को उज्जैन में रात रुकने की वजह से अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। और ये भी माना जाता है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मेला सिंहस्थ मेले के समय जिस भी सरकार का शासन होता है वह सरकार कुछ समय बाद सत्ता से बाहर हो जाती है, जिसका ताजा उदाहरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनते बनते रह गई। महाकाल मंदिर का छठा रहस्य। आप में से कई लोग महाकाल मंदिर अवश्य गए होंगे या फिर टीवी या मोबाइल पर महाकाल मंदिर की फोटो या वीडियो देखी होगी, पर महाकाल मंदिर के थर्ड फ्लोर पर एक गुप्त मंदिर भी है जिसे नागचंदेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर केवल साल में एक बार ही खुलता है। इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा भी बहुत विचित्र बताई जाती है। इस प्रतिमा में सबसे नीचे नागराज तक्षक विराजमान है और उनके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है और उनके थोड़ा ऊपर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय विराजमान है। इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा 11वीं शताब्दी में नेपाल से लाई गई थी। ये पूरे संसार की एकमात्र ही ऐसी प्रतिमा है। ये मंदिर भी महाकाल मंदिर की तरह कई रहस्यों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के साथ में भी एक कथा का वर्णन मिलता है। पुराने काल में एक कश्यप नाम के ऋषि थे और उनकी कद्रु नाम की पत्नी थी। ऋषि कश्यप और कद्रु के तीन नाग पुत्र थे, जिनके सबसे बड़े बेटे का नाम अनंत नाग, जिन्हें अनंत शेष या शेषनाग भी कहा जाता है, जिनके ऊपर श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, और दूसरे हैं वासुकी नाग, जिन्हें भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, और तीसरे हैं नागराज तक्षक, जो देखने में बहुत ही विकराल रूप वाले हैं। नागराज तक्षक इस मंदिर की प्रतिमा में विराजमान है। पुराणों में कथा मिलती है कि नागराज तक्षक ने इस जगह पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिस पर खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और अमर होने का वरदान भी दिया था। नागराज तक्षक की यह इच्छा थी कि वो भगवान शिव की सानिध्य यानी उनके पास रहकर उनकी पूजा अर्चना अनंत काल तक करते रहें। इसलिए यह मंदिर केवल नागपंचमी को ही खुलता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने इस मंदिर पर आते हैं। महाकाल मंदिर मुख्य रूप से तीन हिस्सों में विभाजित है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में नागचंदेश्वर मंदिर है, जिसके बारे में अभी हमने जाना, और इसके नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है, और सबसे नीचे जाकर महाकाल मंदिर मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। महाकाल मंदिर के बारे में एक बात कही जाती, अकाल मृत्यु वो मने जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।